हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो पूरा देख लो और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए कपड़ा कितना चाहिए। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो जो नए सिलने वाले हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि 28 साइज़ का ब्लाउज़ है तो उसको उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए, या 36 साइज़ का ब्लाउज़ है तो उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो ये समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ये नए सब्सक्राइबर है उनके लिए, जैसे ये बेसिक वीडियो है तो वो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो देखिए, अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ का पीस जो है वो हमें अच्छे से लेना है। जैसे ब्लाउज़ का नाप कितना है उसके हिसाब से हमें ब्लाउज़ का कपड़ा लेना पड़ता है। जब भी हम ब्लाउज़ का कपड़ा नापते हैं, ये देखें, तो यहाँ पे इस साइड में जो कपड़ा कट किया होता है इस साइड से कभी नहीं नापना है। ये साइड जो होती है, ये किनारे के जो साइड होती है, किनारे के साइड से हमें कपड़े को जो है वो आपको नापना पड़ता है। अब जब भी हम सेंटीमीटर में कपड़ा नापते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो बैक साइड में सेंटीमीटर आता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो नीचे के साइड में आता है ये हमारा सेंटीमीटर में आता है, और जो ऊपर के साइड में आता है ये हमारा इंच में आता है। आप चाहे तो इंच में लेना चाहते हैं तो इस साइड से भी आप 1 2 3 4 इस तरह से आप इंच में भी बना सकते हैं, और सेंटीमीटर चाहिए तो आप इस साइड से सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो जब भी हम कपड़े को नापते हैं तब आपको सेंटीमीटर में ही कपड़ा नापना है। तो इस तरीके से आपको ये कपड़े को इस तरह से नापना है। तो जितना हमारा कपड़ा आता है पहले आपको चेक करना है, ये देखिए ये 80 सेंटीमीटर आता है, ये 80 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा है। अभी देखिए, छोटा नाप होगा तो आप 75 सेंटीमीटर में आप जो है 75 सेंटीमीटर जितना अपना कपड़ा आता है उसमें आप 28 या 30 साइज़ का ब्लाउज जो है वो बना सकते हैं। लेकिन 32 34 36 के लिए आपको क्या करना है, 80 पॉइंट का ही कपड़ा लेना है। उसके बाद जैसे आपको स्लीव्स की कटिंग बड़ी होगी तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल स्लीव्स होगी तो आप 80 पॉइंट में ये बैठ जाता है। उसके बाद जैसे आगे का, जैसे 38 40 42 के लिए 85 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ता है। जैसे ज़्यादा उसमें भी आपकी लंबाई ब्लाउज़ की स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा होगी तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना है, यानी कि 1 मीटर कपड़ा लेना पड़ता है। आपकी फुल स्लीव्स है, 3/4 स्लीव्स है, उसके ऊपर भी कपड़ा डिपेंड रहता है। आपको ये ध्यान देना है, नॉर्मल कपड़े में जैसे छोटा नाप होगा तो 75 सेंटीमीटर में बन जाता है, और मीडियम साइज़ का होगा 32 34 36 के लिए आप 80 सेंटीमीटर में हमारा बन जाता है, और उसके आगे होगा तो 85 और 90 सेंटीमीटर में हमारा ब्लाउज़ बन जाता है, लेकिन नॉर्मल स्लीव्स में। उसके आगे का नाप जैसे 42 44 46 होगा तो आपको 1 मीटर कपड़ा लेना पड़ता है। अब देखिए, ऐसा जो नाप लेने के बाद भी आपको ऐसा लगता है, कभी कभी नाप छोटा होता है, ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा होती है, स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा होती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, जितना हमारा अपने पास कपड़ा है वो आपको इसे इस तरह से चेक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसकी लंबाई चेक करनी है, जैसे हमारे ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है। तो बैक साइड में हमारी 14 इंच आती है, तो यहाँ पे भी हमारी, आगे के साइड में भी हमारी 14 इंच आनी चाहिए, ये देखिए। तो उसमें ये साइड जो है वो बैठती है। उसके बाद यानी कि फ्रंट और बैक साइड जो है इसमें हमारी आ जाती है। उसके बाद चेस्ट का जो नाप होता है वो आपको चेक करना है, जैसे चेस्ट का 1/4 + 1.5 इंच इसमें बैठता है क्या। और यहाँ पे जो आगे के साइड में, आगे के हिस्से में जो कपड़ा बचता है इसमें आपकी स्लीव्स बनती है कि नहीं वो भी आपको चेक करनी है। जैसे इसे फोल्ड करना है, इसमें आपकी लंबाई बैठती है कि नहीं वो चेक करना है। तो जितनी हमारी लंबाई होगी वो आपको देखनी है। तो इस तरीके से आप लोगे तो भी आपको जैसे कपड़े में कौन से साइज़ का ब्लाउज जो है वो बन जाएगा ये आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है,
जैसे लंबाई जो होती है, फ्रंट साइड की लंबाई और बैक साइड की लंबाई जो है वो आपको पहले चेक करनी है। यहाँ पे चेस्ट का बंद फोल्ड जो है वो चेक करना है, और उसके बाद हमारे स्लीव्स की लंबाई ब्लाउज़ के ऊपर देखनी है, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना पड़ता है, तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। और अंदर के साइड में जैसे यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है, तो इसके मिलता जुलता कपड़ा हमारे पास होगा, तो अब अंदर के साइड में जो पट्टियाँ लगाते हैं, जो क्रॉस पट्टी हम डबल निकालते हैं, उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको चेक करना है। तो इस तरीके से करोगे तो आपको हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए कितना कपड़ा चाहिए ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से कम छोटा नाप होगा तो 75 सेंटीमीटर, मीडियम साइज़ का होगा तो 80 सेंटीमीटर आपको लेना है, और थोड़ा बड़ा नाप होगा तो आपको 40 साइज़ का, 38-40 के लिए, 42 के लिए आपको 80, 85 और 90 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और उसके आगे होगा तो आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है। फिर भी आपको 40 के आगे होगा तो आप 1 मीटर कपड़ा लेंगे तो आपका ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट बैठेगा। और आपके कपड़े में जैसे आपको ज़्यादा जो ज्वाइंट नहीं बनता, और आपका कपड़ा जो है, आपके कपड़े में ये ब्लाउज़ जो है वो कटिंग हो जाती है। फिर भी उसमें समझ में नहीं आता होगा जैसे कितना लेना है, या कम पड़ेगा या ज़्यादा होगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आपको फ्रंट साइड की लंबाई निकालनी है, बाद में बैक साइड की लंबाई निकालनी है, यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 निकालना है, और जो बाय साइड में जो कपड़ा बचता है उसमें आपको बाजू चेक करनी है। इस तरीके से भी करोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए कपड़ा कितना चाहिए ये मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।